क्रिकेट के खेल में किसी खिलाड़ी को पूरे भरोसे और यकीन के साथ किसी भी दौर का सबसे बड़ा और महान बल्लेबाज या गेंदबाज बता पाना नामुमकिन सा प्रतीत होता है। क्रिकेट का बड़े से बड़ा पंडित भी आज विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन में से एक पर हाथ रखने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन बात जब इन्हीं बल्लेबाजों के दौर की टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े तेज गेंदबाज की हो तो यहाँ वो झिझक गायब हो जाती है, क्योंकि इसका केवल एक ही जवाब हो सकता है, डेल स्टेन। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम 21वीं सदी के महानतम टेस्ट गेंदबाज स्टेन गन यानी डेल स्टेन की बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी हमारे उन दर्शकों के लिए जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी क्रिकेट लीग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खेलकर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। जी हाँ, इस लीग की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें खिलाड़ी को खेलने के पैसे मिलते हैं और पूरे 2 साल तक आप इसमें खेल सकते हैं। लीग का नाम है JIPL यानी जूनियर IPL। इस लीग में खिलाड़ी को फर्स्ट डे यानी सिलेक्शन मैच से ही पैसे मिलने लगते हैं। इसमें बैट्समैन को 1 रन बनाने पर 50 रूपए और बॉलर को 1 विकेट लेने पर 70 रूपए मिलते हैं। बैट्समैन को विकेट का कोई पैसा नहीं मिलता और बॉलर को रन का कोई पैसा नहीं मिलता। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 5 जून है और रजिस्ट्रेशन फीस 999 रूपए है। सिलेक्शन मैच की फीस 7200 रूपए है जो ऑनलाइन जमा होगी। ये फीस आपको होटल, खाना, किट, ड्रेस, कलर, शूज और आने जाने की देनी होगी। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तारीख 27 जून 1983। साउथ अफ्रीका के फाला बोरवा शहर में पिता विलियम स्टेन के मिडिल क्लास क्रिश्चियन परिवार में डेल विलियम स्टेन का जन्म हुआ था। जिम्बाब्वे की धरती से आए एक साधारण परिवार में जन्मे स्टेन को शुरू से ही दौड़ कूद वाले खेल पसंद थे और स्टेन बिना जूतों के ही गेंदबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे। मेरेंस्की हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान 11 साल की उम्र में डेल स्टेन ने पहली बार क्रिकेट खेलना शुरू किया था। शॉन पोलाक और एलान डोनाल्ड जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को देखकर बड़े हुए स्टेन को शुरू से ही एक तेज गेंदबाज बनना था, जिसकी शुरुआत इनके स्कूली दिनों से ही हो गई थी, जहां स्टेन अपने साथी खिलाड़ियों से कहीं अधिक तेज गेंदबाजी कर सकते थे। 17 अक्टूबर 2003 को स्टेन ने नॉर्थर्न्स के लिए खेलते हुए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, जिसके बाद इन्हें टाइटंस के लिए भी खेलने का मौका मिला था। फर्स्ट क्लास करियर में स्टेन के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इन्हें सिर्फ 7 मैचों के बाद ही साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम से बुलावा आ गया और ये इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली टीम का हिस्सा बन गए। अपने आइडल शॉन पोलाक के घरेलू स्टेडियम पर 17 दिसंबर 2004 को अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे स्टेन को गेंदबाजी से पहले बल्लेबाजी के लिए उतरना था। टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली गेंद खेल रहे स्टेन ने इंग्लिश स्पिनर एस्ले गिल्स की गेंद पर तेजी से बल्ला घुमाकर अफ्रीकी पारी का पहला और आखिरी छक्का लगाया और 8 रन बनाकर आउट हो गए। अफ्रीकी टीम के 337 रनों के जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम के सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी ने बोर्ड पर 152 रन लगा दिए थे। विकेट को तरस रही अफ्रीकी टीम को अपना पहला मैच खेल रहे स्टेन ने ट्रिस कोथिक को बोल्ड कर अपना पहला विकेट दिलाया, लेकिन इसके बाद स्टेन का प्रदर्शन इस सीरीज में निराशाजनक रहा और उन्हें आखिरी टेस्ट से बाहर कर दिया गया। अपनी पहली टेस्ट सीरीज का एक किस्सा सुनाते हुए स्टेन ने कहा था कि जब उनका सिलेक्शन इंग्लैंड सीरीज के लिए हुआ था तब उनके पास एक जोड़ी ढंग के जूते भी नहीं थे और सीरीज शुरू होने के बाद भी नया खिलाड़ी होने के कारण हर किसी ने उनको मिलने वाली चीजों को स्पॉन्सर करने से मना कर दिया था। ऐसे में शॉन पोलाक ने उन्हें अपने 2 जोड़ी जूते भेंट किए, जिनके साथ स्टेन अगले 2 सालों तक क्रिकेट खेलते रहे। यहाँ टेस्ट टीम से बाहर होने के बाद स्टेन ने टाइटंस के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जारी रखा और 2005-06 के सीजन में अपने जबरदस्त प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से टेस्ट टीम में शामिल होने में सफल रहे। सेंचुरियन में खेले जा रही सीरीज के पहले मैच की दूसरी पारी में 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को पस्त करने के बाद स्टेन ने तीसरे मैच में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर दुनिया को बता दिया कि एक नया चैंपियन विश्व क्रिकेट को मिल गया है। इसी बीच डेल स्टेन ने एफ्रो एशिया कप में अफ्रीकी 11 और एशियन 11 के बीच खेले जाने वाले मैच से 17 अगस्त 2005 को अपना अंतरराष्ट्रीय वनडे डेब्यू किया, जिसमें स्टेन ने आशीष नेहरा के रूप में आखिरी विकेट लेकर अपनी टीम को 2 रनों से जीत दिलाई थी। स्टेन ने अफ्रीका की नेशनल टीम के लिए अपना वनडे डेब्यू 20 जनवरी 2006 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए किया था। इस तरह कहा जा सकता है कि इस गेंदबाज ने 2 बार वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। अफ्रीकी वनडे टीम से अंदर बाहर चल रहे स्टेन को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का पहला 5 विकेट होल लेने के बाद श्रीलंका के खिलाफ टीम में शामिल किया गया, जो विदेशी जमीन पर उनका पहला टेस्ट सीरीज था। इस सीरीज के पहले मैच की पहली पारी में श्रीलंकाई टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 756 रन बनाए थे।
जिसमें संगकारा और जयवर्धने की रिकॉर्ड 624 रनों की पार्टनरशिप भी शामिल थी। पहले मैच में श्रीलंकाई बल्लेबाजों के हाथों मुंह की खाने के बाद अफ्रीकी टीम दूसरे मैच में स्टेन के शानदार 5 विकेट होल लेने के बावजूद भी संभल नहीं पाई और सीरीज 2-0 से हार गई। भारत, पाकिस्तान, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश जैसी टीमों के विरुद्ध स्टेन ने साल 2007 में खेले अपने 11 मैचों में 75 विकेट लिए थे, जिसके चलते इस गेंदबाज ने मुरलीधरन के साथ पहली बार ICC रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। लेकिन इसके बाद आया वो दौर जिसमें स्टेन के प्रदर्शन को दूर दूर तक कोई भी गेंदबाज टक्कर नहीं दे पाया था। 26 दिसंबर 2009 से लेकर 5 नवंबर 2015 ये वो समय था जिसने डेल स्टेन को इस सदी का सबसे खूंखार तेज गेंदबाज बना दिया था। 6 सालों के अपने गोल्डन पीरियड में स्टेन ने साल 2009 से 2013 तक टेस्ट क्रिकेट पर एक छत्र राज किया और लगातार 263 सप्ताह यानी 2356 दिन ICC रैंकिंग पर नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज का स्थान बरकरार रखा था। इस समय के दौरान स्टेन ने कुल 45 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 21.72 की औसत से 232 विकेट अपने नाम किए और 14 बार एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया। डेल स्टेन ने अपने बेहतरीन समय का उपयोग वनडे क्रिकेट में भी किया और अपने बेहतरीन प्रदर्शन से साल 2011 वर्ल्ड कप में अफ्रीकी टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें अजेय चल रही भारतीय टीम को स्टेन ने 50 रन देकर 5 विकेट लेकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा स्टेन ने साल 2015 वर्ल्ड कप में भी अपने प्रदर्शन के चलते अफ्रीकी टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया था, जहां न्यूजीलैंड के ग्रांट एलियट ने इनकी गेंद पर छक्का लगाकर अफ्रीकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। आंखों को सुकून देने वाले रनर अप और एक्शन से गेंद को दोनों तरफ से स्विंग कराने की काबिलियत और घातक पेश के कारण विश्व क्रिकेट पर राज करने वाले डेल स्टेन विदेशी जमीन पर भी अपनी सटीकता को जारी रखे हुए थे और इसलिए नवंबर 2015 में भारतीय दौरे पर गई अफ्रीकी टीम को टेस्ट सीरीज में फेवरेट माना जा रहा था। लेकिन 6 नवंबर 2015 को मोहाली में टेस्ट सीरीज के पहले मैच में डेल स्टेन को गोइंग स्ट्रेन इंजरी हो गई, जिसके चलते इन्हें पूरी सीरीज से बाहर होना पड़ा और यहाँ से स्टेन और चोटों के बीच एक नई जंग शुरू हुई जिसने इन्हें कभी उभरने नहीं दिया। नवंबर 2015 तक टेस्ट क्रिकेट में 402 विकेट लेने वाले स्टेन अगले 3 सालों तक सिर्फ 17 विकेट अपने नाम कर पाए थे। साल 2018 में स्टेन को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में सिर्फ 2 विकेट मिले, जिसके बाद सेंचुरियन में अपनी 422 विकेट के रूप में पाकिस्तान के फखर जमान को आउट कर स्टेन शॉन पोलक के रिकॉर्ड को तोड़कर दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज बन गए थे। 21 फरवरी 2019 के दिन लगातार 5 सालों तक अपनी चोट से जूझ रहे स्टेन आखिरी बार सफेद जर्सी में अफ्रीकी टीम के लिए मैदान पर उतरे और 5 अगस्त 2019 के दिन एक महान गेंदबाज ने अपने सबसे चहेते फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। डेल स्टेन ने अपने करियर में कुल 93 टेस्ट मैच खेले, जिनमें इनके विकेटों का आंकड़ा 439 है, जिसमें 26 5 विकेट होल भी शामिल हैं, जहां स्टेन का बेस्ट प्रदर्शन 60 रन देकर 11 विकेट है। डेल स्टेन ने अपने वनडे करियर में अब तक कुल 125 और T20 करियर में 47 मैच खेले हैं, जिनमें इनके विकेटों का आंकड़ा क्रमशः 196 और 64 है। लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बल्लेबाजों के मन में डर पैदा करने वाले स्टेन ने अपने 16 साल के टेस्ट करियर में 83 बार बल्लेबाजों को 0 पर आउट किया है और साथ ही यह गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट खेलने वाली हर टीम के खिलाफ 5 विकेट होल लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। साल 2008 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर रह चुके स्टेन को 2013 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और 2019 में ICC द्वारा बनाई गई दर्शक की टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। बात करें इनकी निजी जिंदगी के बारे में तो डेल स्टेन की शादी 2011 में अफ्रीकी अभिनेत्री जीनी किड्समैन से हुई थी। इसके अलावा स्टेन साल 2014 में आई हॉलीवुड फिल्म ब्लेंडर में भी नजर आ चुके हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।